नमस्कार, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारा जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, हम सारे देखेंगे। ये वीडियो आपने देख लिया तो इसके बाद आपको चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से मेजरली आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, सारे लेवल्स के क्वेश्चन में इसमें डिस्कस करूंगा। हमारे एग्जाम के लेवल में जो मुझे क्वेश्चन आते हैं वो सारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर क्या रहता है? सॉल्यूशन रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब आपको समझना होगा, होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ऑफ द मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच शुगर डिजोल्व करी है, शुगर डिजोल्व हो जाएगी तो आप देखोगे तो पानी मीठा हो जाएगा, और पानी मीठा होने के बाद जब आप पियोगे तो ऊपर से पियो चाहे बीच में से पियो चाहे नीचे से पियो, तीनों कहीं से भी पियो, मतलब आपको इक्वल अमाउंट ऑफ मीठा लगेगा। पानी मीठा लगेगा और इक्वल मीठा लगेगा, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे शुगर और वाटर का कंपोजिशन क्या है वो सेम यूनिफॉर्म। ऐसा मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। एक चीज और रहती है, सॉल्यूशन सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि होना होगा कुछ ना कुछ लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड में कुछ डिजोल्व नहीं आता है। सॉलिड दो सॉलिड को मिक्स कर सकते हो, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है। दो गैसेस को मिक्स करने के बाद भी होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है। एक सॉलिड एक गैस को मिक्स कर सकते हो, मतलब आप किसी भी चीज को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हो। तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि सॉल्यूशन का मतलब हमेशा लिक्विड से ही होगा। दो सॉलिड भी मिक्स हो सकते हैं, दो गैसेस भी मिक्स हो सकती है, सॉलिड गैस भी लिक्विड गैस भी कुछ भी मिक्स हो सकता है, तो सॉल्यूशन कैसे भी बन सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सारे टाइप के पिक्चर्स का फिर हमको इस चैप्टर में हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला कंपोनेंट जो आपके पास होता है सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? वो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट हमारे पास होता है विच इज लेस इन अमाउंट। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज लेस इन अमाउंट, जो अमाउंट में कम होता है वो क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? विच इज मोर इन अमाउंट, जो अमाउंट में ज्यादा होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जो अमाउंट में कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो अमाउंट में ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे हम एक गिलास पानी में एक चम्मच शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर शुगर हमारे पास कम है, शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास? वाटर। तो देख लेते हैं हम, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो अमाउंट में कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में ज्यादा होता है। जैसे एक गिलास वाटर में आपने एक चम्मच शुगर डिजोल्व किया है, तो शुगर आपका कम है वो सॉल्यूट है, और पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट है। और कभी भी आपको दिखाया जाए वाटर, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको सॉल्वेंट नहीं बताया तो आप वहां पर वाटर मान लेगा कि वहां वाटर सॉल्वेंट होगा, और वाटर कहीं पे प्रेजेंट है तो वो हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा, सॉल्यूट की तरह काम नहीं करता, सॉल्वेंट ही रहेगा हमेशा। ये बात ध्यान रखना, कभी आपको सॉल्वेंट नहीं बताया तो भी आप मान लेना वाटर ही सॉल्वेंट है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन के बेसिक हो गए। फिर आपको इस चैप्टर को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ने हैं? आपको बाइनरी सॉल्यूशन, आपको क्या पढ़ने हैं? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो, ओनली वन सॉल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट हो, एक ही सॉल्वेंट वाला सिस्टम आपको पढ़ना है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हम नहीं पढ़ेंगे जिसके अंदर दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। जैसे आपने एक गिलास वाटर में एक चम्मच शुगर ऐड करी, एक चम्मच आपने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, तो वहां पर दो सॉल्यूट हो गए, शुगर भी सॉल्यूट हो गया, सॉल्ट भी सॉल्यूट हो गया। तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन आपको इस चैप्टर में ये वाले सॉल्यूशन नहीं पढ़ने। आपको जो सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो सिर्फ कौन से? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने। तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने, इसके बाद फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कंसेप्ट नहीं, सॉल्यूशन में जितना
सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इन सबको दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम यूज कहते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन टर्म्स। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहीं से आपका असली चैप्टर शुरू होता है कंसेंट्रेशन टर्म्स। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद होंगे सारे के सारे, और कैसे कंसेंट्रेशन टर्म्स निकालने हैं। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव में आप देखोगे तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। और डायरेक्ट अगर नहीं भी आया तो अगर आप आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मैटर ऑफ फैक्टर, नाउंस, नॉन एंट्री लोग, उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसेंट्रेशन टर्म यूज हो ही होगी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट नहीं भी आता है तो इसका यूज तो होना ही होगा। इसके बिना मतलब आपका चैप्टर बेकार है। कंसेंट्रेशन टर्म आपको सीखने ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, तो ये आपको नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपाउंड में हमें सॉलिड और सॉलिड का अमाउंट बताने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके बताने के लिए होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव भी होता है कि मतलब आपने क्वालिटी बतानी, क्वालिटी बताने से बोला आपने एक गिलास वाटर में दो चम्मच शुगर डिजोल्व की पानी बनाया, पानी मीठा हो गया, आपने पिया तो आपको नॉर्मल लगा, बट सामने वाले ने पिया तो उसको ज्यादा मीठा लगा। तो ये हो गया आपने एक तरीके से क्वालिटी बता दी। तो क्वालिटी क्या है? परसेंट टू परसेंट चेंज होती है। आपको वही सॉल्यूशन नॉर्मल लग रहा था, आपके फ्रेंड ने पिया तो उसको ज्यादा मीठा लग रहा था, तो क्वालिटी पे क्या होगा? लगाई होगी, परसेंट टू परसेंट वो चीज चेंज होगी। और साइंस ऐसी बातें नहीं मानती, साइंस ऐसी बातों को मानेगी जो सबके लिए सेफ है। तो अगर मैं उसमें क्वालिटी ना बता के क्वांटिटी बता दूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, मीन्स मैंने यहाँ पे दो स्पून शुगर यूज करी है और एक गिलास वाटर यूज किया, मतलब सॉल्यूट दो स्पून थे और सॉल्वेंट मेरे पास एक गिलास था, तो ये तुम्हारे लिए भी सेम है, तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी सेम है, कोई तीसरा पर्सन लगाओगे किसी फ्रेंड का उसके लिए भी वो चीज सेम। तो इसी का ध्यान रखना है। ठीक, तो हमें क्या यूज करना है? क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव पे यूज करना है। हम हमेशा क्या बताएंगे? क्वांटिटी बताएंगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं बताएंगे। तो क्वांटिटी पे बताने का तरीका कंसेंट्रेशन टर्म्स में यूज करेंगे। तो हम हमेशा क्या बताएंगे? क्वांटिटी बताएंगे, बिकॉज क्वांटिटी बताने से वो सबके लिए सेम होता है, सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है। कितने टाइप की हमारे पास कंसेंट्रेशन टर्म्स? दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, मीन्स टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मीन्स जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर आप चेंज करो ये तब भी ये चेंज नहीं होगी, ऐसी चीज रहेगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी हमारे पास टर्म्स होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है हमारे पास वॉल्यूम परसेंट, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मोलैरिटी, चौथा नॉर्मैलिटी। ये सारी आपके पास कैसी होती है? कंसेंट्रेशन टर्म्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है आपके पास मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और नेक्स्ट आती है हमारे पास मोलैरिटी। ये चार जो होती है आपकी कैसी होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज हो रही है, क्योंकि इनके अंदर क्या आता है, इन सबके फॉर्मूले के अंदर अभी आप आगे देखोगे वॉल्यूम आता है, इन सबके प्रॉब्लम क्या आता है? वॉल्यूम आता है, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज आता है। जैसे दो पार्टिकल्स है, अभी इतना स्पेस ले रहे हैं, कितनी जगह ले रहे हैं, सपोज आपने हीट किया, हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, तो पार्टिकल्स की कैरेक्टर एनर्जी बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे। तो पहले इतनी वॉल्यूम दे रहे थे, इतनी वॉल्यूम देंगे तो जगह बढ़ेगी ना, पहले इतनी जगह लेते हैं, इतनी जगह ले रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज होगी। इनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से इनका क्या हो जाता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए ये सारे चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमारे पास ये सारे आते हैं, इन सबके फॉर्मूले में आप देखोगे वॉल्यूम नहीं आता, सिर्फ क्या आता है? मास आता है, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और मोलर मास का रेशियो कितना, तो ओवरऑल इसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ मास ही आएगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमें पता है टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है, इनमें वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर
करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए चेंज हो जाता है। ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होते, वीक के फॉर्म में मास आता है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये सारे के सारे हमको डिस्कस करने हैं, इनके फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। जब तक मैं एक बार उसको नोट कर लूं या स्क्रीनशॉट कर लूं, मैं दोबारा सारे फॉर्मूले लिखता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, एक बार ये सारे मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको करनी है, पोलैरिटी का नॉर्मैलिटी का था, सात तक मैंने लिख दिए हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, साथ साथ पहले लिखते हैं टाइम, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम ना हो, टाइम बचाना है आपको, इसलिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, मैं बताता जाऊंगा आपको मेरे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब W/W%, एकदम आता है कभी कभी मन में कि जब हमें सॉल्यूट और सॉल्यूट का ही कंसेंट्रेशन बताना है तो हम इतनी सारी कंसेंट्रेशन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं। किसी एक ही कंसेंट्रेशन टर्म को ऐसी बना ले जिसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्यूट का पता लग जाए। सपोज हम पोलैरिटी यूज करें, क्यों हम मास परसेंट यूज करते हैं, कन्वेक्शन यूज करते हैं, मतलब इतनी सारी क्यों हमें इन दैट, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का ही तो कंसेंट्रेशन बताना है, तो हम कोई एक कंसेंट्रेशन टर्म को यूज करके बता सकते हैं। ठीक, तो उसका मैं आपको रीजन बताया था, एक कंसेंट्रेशन टर्म क्यों यूज नहीं करते। जैसे अगर आपका सपोज मोलैरिटी है, ठीक है ना, अगर आप मोलैरिटी यूज कर रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनाया, दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली में आपने सॉल्यूशन बनाया, 5 molar NaOH का सॉल्यूशन बनाया। जब आप 5 molar NaOH को आप सॉल्यूशन बना के यहाँ से जम्मू कश्मीर पर ट्रांसपोर्ट करोगे, जम्मू कश्मीर पर ट्रांसपोर्ट करोगे तो मुझे पता है यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम ज्यादा रहता है, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होगा, मोलैरिटी चली गई। सपोज आपने यहाँ टेम्परेचर बना के भेजा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया था 5 molar का था, 5 molar का, और वहां पे भेजोगे तो मोलैरिटी उसकी 4.8 ही रहेगी, तो यहाँ से 5 molar सॉल्यूशन बना के भेज लो, वहाँ पे जाकर 4.8 हो जा रहा है। तो चलो सर, ये तो टेम्परेचर की बात थी। अगर हम मास परसेंट यूज कर देंगे, मास परसेंट में तो मास मास आ रहा है, ये तो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से, ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप यूज कर लोगे समझ में आता है, लेकिन इसको कब यूज कर लोगे, जब आपके पास सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, जब दोनों चीजें आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होंगे तभी आप इसको यूज कर पाओगे, क्योंकि सॉलिड का हमेशा हम क्या बताते हैं, मास बताते हैं। अगर दोनों में से एक भी लिक्विड हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से, तो लिक्विड का मास नहीं बताते, उसकी क्या बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं, तो वहां पे ये फेल हो जाएगी आपकी, है ना। तो ऐसे ही हर किसी का कोई ना कोई ड्रॉबैक है, इसलिए जो सबसे सुटेबल होती है उस जगह पे वही वाली टर्म हम यूज कर लेते हैं कंसेंट्रेशन का, इसलिए एक से ज्यादा आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक परफेक्ट नहीं है ना। जैसे वॉल्यूम परसेंट आप यूज करो तो वॉल्यूम बता पाओगे, अगर कोई सॉलिड आ गया तो सॉलिड के हम वॉल्यूम नहीं बताते, मास बताते, फिर उसको कैसे यूज करोगे। ठीक, तो अगर कोई सिर्फ दोनों सॉलिड है तो ये यूज करेंगे, दोनों लिक्विड है तो यूज करेंगे, एक सॉलिड है लिक्विड है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे हमने कंसेंट्रेशन टर्म बनाए हैं, और सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे ही यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। तो स्टार्ट करते हैं, मास परसेंट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, परसेंट आप कैसे निकालते हो। सपोज आपके पास स्कूल में मार्क्स आए, आपके पास 200 मार्क्स आए, आपका नंबर था 500 नंबर, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हो, जितने मार्क्स आए 200 मार्क्स ऑब्टेंड, अब हमने टोटल मार्क्स कितने थे 200, है ना, वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे। फोटो आपका मार्क्स का परसेंट और यह मास का परसेंट है ना। तो मास का परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना मास आपने सॉल्यूट का लिया, अपॉन में कितना मास सॉल्यूशन का था, टोटल मास है ना, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। ठीक, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फर्दर एग्जाम्पल के लिए आपको कह देगा, सपोज बोल दिया आपको 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, कई बार तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन कई बार देखा जैसे जीके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले से नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये वाले स्टेटमेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका मतलब समझ आएंगे, जब मैं आगे क्वेश्चन डील करूंगा तो मैं इन बातों को यूज भी करूंगा। देखो, आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि 10%, जैसे मैं बोलूँ आपके 10% नंबर है, इसका मतलब क्या, आउट ऑफ 100 आपके 10 मार्क्स है। ठीक है ना, जितने परसेंट उतने मार्क्स, मतलब जितना परसेंट उतना ग्राम, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, जितना परसेंट उतना ग्राम, जैसे मैंने बोला 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था तो उसमें 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे मीन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था तो उसमें H2SO4 कितना था, 10 ग्राम। ठीक, तो अगर आप सोचो मुझे सॉल्वेंट कितना था, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, 10 ग्राम H2SO4 का, बचा कितना, 90 ग्राम, 90 ग्राम सॉल्वेंट रहा होगा, तो आपने सॉल्यूट मास का
सॉल्यूट का मास बता दिया, सॉल्वेंट का मास बता दिया, सॉल्यूशन का मास भी बता दिया। तो इन स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे आगे, ठीक। तो बस आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, जितना परसेंट उतना ग्राम, या जितना परसेंट उतना, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में बोले तो जितना परसेंट उतना लीटर या उतना मिली लीटर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस है। तो ऐसे यूज करेंगे हम लोग आगे, क्वेश्चन बनाएंगे। फिर हमारे पास है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। इसकी क्या होगी? नो यूनिट, कोई यूनिट भी नहीं रहेगी इसकी, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, मास से मास कट जाएगा। अगर ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम कटे, वो यूनिट। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला बस मास की जगह, जैसे ऊपर मास था ना, यहाँ पे वॉल्यूम कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100, सेम वही चीज याद रखनी है आपको। फिर जैसे मैं बोल दिया एग्जाम्पल के लिए आपको 10% एक्वस ग्लूको एक्वस एल्कोहल एक्वस एल्कोहल सोल्यूशन, ये बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर कि 10 ml ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का 10 ml परसेंट है, मतलब मैंने बताया ना जितना परसेंट उतना मिली लीटर या उतना, 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको 100 ml का सॉल्यूशन था तो उसमें कितना आपका एल्कोहल था? 10 ml, ठीक। तो बचा हुआ एक्वस, बोला एक्वस मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर होगा तो वॉल्यूम वाटर यहाँ पे कितना होगा? 90 ml वाटर होगा हमारे पास। अगेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों यूनिट नहीं होती है इसकी? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम दोनों की अगर मिलीलीटर मिलीलीटर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिन जिन फॉर्मूला पे लग रही हो तो बहुत मस्त है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है, ठीक। फर्दर इसके अंदर एक आ जाता है क्वेश्चन, कई बार तो बोर्ड वगैरह पे दिखा गया, जितने भी स्कूल एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसमें क्वेश्चन दिखा गया कि 35% वी बाय वी सॉल्यूशन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल का 35% सॉल्यूशन है, एक्ट्स एज एंटी फ्रीजिंग एज वेल एज कूलेंट, एंटी फ्रीजिंग एज वेल एज कूलेंट, मतलब ये दोनों के तरीके से काम करता है। ये हमारे पास एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड भी और कूलेंट भी है, ध्यान रखना आपको एंटी फ्रीजिंग है और साथ में कूलेंट भी है। 35% ध्यान रखना, 35% है, मतलब अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 37 इथाइलीन ग्लाइकोल होगा, बाकी का बचा हुआ 65 ml वाटर होगा। तो एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या है? एंटी फ्रीजिंग का मतलब है इसको हम यूज करते हैं कार के इंजन पे, कार के इंजन में यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? जब हमारी कार पहाड़ों में जाती है, पहाड़ों में होता है टेम्परेचर बहुत कम होता है, जनरल वाटर जो होता है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है हमारा, ठीक। तो कार के इंजन का वाटर फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा तो कार आगे बढ़ना बंद कर देगी, चलना बंद कर देगी। तो उस टाइम पर इसमें क्या करते हैं? कार में इसको डाल देते हैं, इसको डाल देने से क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग का पानी को जलने से बचाता है, जलने नहीं देता। जो पानी आपका 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, इसको डालने के बाद आपको -17.6 डिग्री पे फ्रीज हुआ, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इतना आसान नहीं है पहुंचना, ठीक। तो इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है गिरा देता है, 0 डिग्री से कितना कर देता है? -17.6 डिग्री तक कर देता है। तो अब वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा, साथ में कूलेंट है। कूलेंट का मतलब जब आपकी कार होती है जो गर्मियों में चलती है, गर्मियों में इंजन बहुत गर्म हो जाता है ना, तो इंजन को ठंडा करने का काम भी करता है, दोनों काम करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना होगा। जितना बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह के एग्जाम से, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे पास मास्टर वॉल्यूम परसेंट है, इसी को हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। कभी आप बोल दे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, मतलब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। मास्टर वॉल्यूम परसेंट, मास्टर वॉल्यूम परसेंट कभी यूज करते हैं जब आपके पास जो सॉल्यूट है वो क्या हो? सॉलिड हो, और आपका सॉल्वेंट हो लिक्विड हो। जब आप लिक्विड में सॉलिड को मिलाओगे तो आपका निकाल सकते उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते। और किस तरीके से निकालोगे? ऊपर सॉल्यूट का मास रखोगे, नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखोगे, इंक्लूडेड। जैसे एक गिलास वाटर में आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो तो शुगर आपका सॉलिड है, वो सॉल्यूट है, तो उस सॉलिड का आपको मास बताते हैं। देन आप जब पानी में शुगर को डिजोल्व करते हो तो फाइनल सॉल्यूशन आपका लिक्विड बन के आता है, और लिक्विड की आप क्या बनाते हो? वॉल्यूम बनाते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ग्राम। फर्दर अभी तक जितने भी थे उसकी यूनिट नहीं थी, इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या है कि अगर आपने मास ग्राम में लिया है और वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगी, इसकी यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर। या फिर अगर आपने वॉल्यूम लीटर में लिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, ये आप ध्यान रखना। तो स्ट्रेंथ भी कहते हैं उसको, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फर्दर पार्ट्स पर मिले, देखो ये जितने भी देना हमारे मास परसेंट, जो परसेंट वाली ग्राम थी कि आपको बताते हैं कि 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे 10% का 10 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट था, 20% का मतलब 20 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट था। ये हमारा जो पीपीए में पीपीए बताता है कि 100 पार्ट में नहीं, मिलियन पार्ट। अगर आप सिंपल सी बात सोचो,
अगर मैं आपको बोलूंगी आपके 2% मार्क्स है, 2% मार्क्स है मतलब आपके 100 में से 2 नंबर है, यही सोचो कितने छोटे हैं, कितने कम है 100 में से 2, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपके 2 BPM नंबर है, 2 BPM नंबर मतलब आपके 10 लाख में 2 नंबर है, सोचो कितना छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये हम केमिकल्स केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स में एक एक एटम एक मोल एक एक मॉलिक्यूल का सिग्निफिकेंस होता है, एक एक मॉलिक्यूल से ही आपका फर्क पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, आपको बता हुआ टूथपेस्ट में आपके क्या होता है फ्लोराइड है एफ माइनस, ये एफ माइनस है टूथपेस्ट में होता है, इसका कंसेंट्रेशन 1 BPM रहता है ना, तो ये आपके दांतों के लिए अच्छा है, आपके दांतों को कैविटी वगैरह से उससे बचाएगा। और अगर आपका कंसेंट 2 तरीके से बचाएगा, बेसिकली किससे बचाएगा प्रिवेंट्स 2 तरीके, आपके 2 तरीके से बचाएगा आपको। लेकिन अगर यही एफ माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया गलती से 2 PPM हो गया, तो फिर ये आपके लिए पॉइजनस बन जाएगा। ये बात भी याद रखना, 2 PPM का मतलब क्या है, मतलब 10 लाख पार्टिकल अगर फ्लोराइड का एक आयन मौजूद है, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपने बनाया जिसको सॉल्वेंट 9,99,999 और एक आयन है सिर्फ, सोचो कितना कम है, अगर एक की जगह गलती से 2 कर दिया तो क्या बन जाएगा, पॉइजनस बन जाएगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए जब हमारे पास सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में यूज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन में सिर्फ इतना ही चेंज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन सब में चल रहा है 10 100, अभी तक 100 चल रहा था, 100 में क्या डालेंगे 10 पावर 6, ऐसे होता है पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन और भी छोटी क्वांटिटी को दिखाने के लिए होता है, बिलियन में 10 की पावर 9 कर देना बस इतना ही चेंज होता है, ठीक। तो ये मॉडल भी आपको याद रखना होगा, बहुत जरूरी है। फर्दर अगर आपको वॉल्यूम वगैरह दीजिए तो आप वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देना बस, ठीक। तो ये आपको बताता है 10 लाख पार्ट में कितने पार्ट होते हैं, अगर आपको बोलते 10 PPM HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट निकाल रहा हूं तो 10 पावर 6 में से मतलब 10 लाख में से माइनस कर देना आप 10, जो कि 9,99,990 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आप निकाल लेना, इसका मतलब ये आपको मतलब भी याद होना चाहिए, मतलब याद नहीं होता है आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी अगर आगे यूज करेंगे, ठीक। जब क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे बताया जेई वगैरह में कई बार देखा गया कि इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कराना पड़ेगा आपको कुछ टाइम का बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइम आती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन बताती है कितने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन आपको किसी का भी निकालना है, क्या करना है, जैसे इस बीकर है इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए दूसरा कंपोनेंट है बी, ए के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स को एन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है बहुत ईजी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दो, जिसका भी निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो जस्ट बिल्कुल फ्रैक्शन है, आपने बचपन में फ्रैक्शन सीखा होगा ना, इस तरीके से फ्रैक्शन निकालते थे, जैसे आपका एक कलर बांट हो गया, मुझे कलर बांट का फ्रैक्शन निकालो, तो कलर बांट कितने 1, टोटल बांट कितने 4, ऐसे बता देते हैं 1/4 को, अनकलर बांट का पूछता था अनकलर कितने 3, टोटल कितने 4, 3/4, दोनों का सम कितना आएगा ऐड करोगे तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो बस वहां पे आप क्या करो, जितने पार्ट कलर थे अकाउंट में टोटल, यहाँ पे बस कलर बांट किया क्या मोल्स है, तो आपको मोल्स का लेना है, जिसका भी निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रख देते हैं, ठीक। सेम बी का, बी में आपको क्या करना है, जिसका निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम कितना आता है 1 आता है, अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरे को आप बता, जैसे आपको काई के पता लग गया काई भी निकालता है तो 1 में से काई को माइनस करके भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन सीधी हो जाती है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है मोलैरिटी का, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, एसआई यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर, एसआई यूनिट होती है इसकी नंबर ऑफ मोल्स की मोल, नीचे लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1 हो जाएगा, और मोलर भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है मोलर, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक। फर्दर फिर जैसे आपको बोलते हैं 3 मोलर NaCl सोल्यूशन, ठीक है ना, 3 मोलर NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 3 मोलर NaCl का मतलब है 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, नीचे कितना बन जाएगा 3 मोलर, 3 आंसर कब आएगा भाई, जब यहाँ ऊपर 3 होगा नीचे 1 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन, मतलब तीन मोल्स एनसीएल एडिटर सॉल्यूशन में। ठीक, तीन मोल्स को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? सिंपल है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का आपको एक बढ़िया एकदम फॉर्मुला देता हूँ, कभी आपको कोई दिक्कत होने की बनी अगर आपने ये फॉर्मुला याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल फॉर्मुला आपको देता हूँ, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल जाओ, एक फॉर्मुला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। आप हमेशा एक फॉर्मुला याद रखना, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4। ये तीन फॉर्मुले आपको याद रखने हैं, इससे आपका हमेशा इनमें से कोई ना कोई फॉर्मुला लगना होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है, इसके अलावा कोई फॉर्मुला नहीं रहता है। पार्टिकल वर्ड का मतलब होता है पार्टिकल को आप रिप्लेस कर सकते हो, कहीं पे एटम है तो एटम लिख देना, कहीं पे मॉलिक्यूल है पार्टिकल से जनरल है। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल डाल देना, आयन की बात करें तो आयन डाल देना। फर्दर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 × 10^23। आपको याद होना चाहिए, तो इस फॉर्मुले को आप हमेशा ध्यान रखना, इससे आपको भी नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी निकाल सकते हो। जनरली नंबर ऑफ मोल्स देता नहीं है, वो आपसे निकलवाता है, आपको मास देता है। ठीक, तो अगर आपको मास दिया है तो क्यों ना नहीं, आप मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल्स दिया है तो मास में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सही है, जो तीन मोल दिया आपको मास में कन्वर्ट करना है, आपने होगा नंबर ऑफ मोल्स का होगा गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तीन है, गिवन मास आपको हमेशा गिवन मास है तो देगा है तो निकलवाएगा, मोलर मास आपको फॉर्मुले से पता लग जाता है। एनए का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ये उधर जाएगा इंटू होगा तो ये आ जाएगा हमारे को 175.5 ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब इसका मतलब क्या था कि 175.5 ग्राम एनएसीएल एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। आपने मास निकाल लिया, मोल निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो लोग कैसे यूज कर रहे हैं आप डिस्कस करूंगा। इसकी मोल नंबर ऑफ मोल्स की तो मोल होती है, पर केजी, मोल पर केजी या मोलर भी लिखा जाता है, मोलर या स्मॉलर।
तो अगर आप मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज लोगे तो 1 2 2 ये भी है 2, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज भी 2 है और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज भी लोगे तो 2 है। तो आप किसी एक को देख लेना, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तभी, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास बैलेंस कर लोगे, आप जो रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका एफेक्टर होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप एफेक्टर निकाल लेते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अगर आपकी यहाँ का एफेक्ट चेंज होगा तो आपको साथ साथ सिखाता चलूंगा। एफेक्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिमेंट का अलग निकालते हैं, एटम का अलग निकालते हैं, आयन का अलग निकालते हैं, ठीक है ना। तो हर किसी का अलग अलग निकाल जाता है, एसिड का अलग निकाला जाता है, बेस का अलग निकाला जाता है। तो बहुत लंबा टॉपिक इन्फेक्ट के लिए, बट आप इतना सीख लोगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं इसी को यूज करके आपका सारा क्वेश्चन बनवा दिया है। कहीं पर कुछ यूज हो रहा होगा, छोटा होगा तो मैं आपको घंटे उसको डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ। पूरा आप सीख के टाइम अगर आप लोगे या सीख गए तो किसी दिन उसकी एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना देंगे, पूरा इन्फेक्टरी बड़ी हो जाएगी, घंटा पूरा इन्फेक्टरी आ जाता है, ठीक। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, इसमें आता है इसके बाद फॉर्मुलेशन बताया था। तो इसमें मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी चॉइस ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जहाँ जरूरत होगी याद रखेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि आपको याद रखना है क्या नहीं करना है। जिसमें मैं लर्न नहीं करूंगा वो आपको जरूर याद रखेगा, ठीक। नेक्स्ट आपके बाद देखो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ऑफ रिलेशन डिराइव किया मैंने। रिलेशन कैसे डिराइव किया, गिवन मास इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ ग्राम पर लीजिए, गिवन मास बाय ग्राम पर निकाल सकता हूं, गिवन मास बाय ग्राम पर वॉल्यूम नीचे का नीचे ही है। फिर गिवन मास के नीचे कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट वेट को मैं कह सकता हूं मोलर मास बाय फैक्टर, मैंने मोलर मास बाय फैक्टर लिख के वॉल्यूम निकाल के नीचे आप देखो अंश चार की फॉर्म में रखा, फ्रैक्शन इवन फॉर्म में या तो दो की फॉर्म में चार की फॉर्म में, ठीक। तो ये ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, गिवन मास बाय फैक्टर से आ गया, मोलर मास और वॉल्यूम के साथ वन आ गया। तो ये गिवन मास बाय मोलर मास पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स लगा के वॉल्यूम पहले से नीचे था एंड फैक्टर लिखा भी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम आप जानते हो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहां से नंबर रिलेशन आ गया, जो मोलैरिटी होता है वो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, ये रिलेशन आ गया, ये आप याद कर लेना, ये नहीं नहीं यूज होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन कराएंगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इनका यूज करना है, ठीक। तो यहाँ हमारे कंसेंट्रेशन का खत्म हो गया है। फिर उसके बाद ये हुआ था एसिड में हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बोल का मतलब कभी भी डाइल्यूशन बोले मतलब कंसेंट्रेशन डिक्रीज, आपको कंसेंट्रेशन डिक्रीज करना है। बोला आपने एक गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डिजॉल्व कर दी, आपका सोल्यूशन मीठा हो गया, ठीक है। अब आपको उसको कम मीठा करना है, उसमें शुगर का अमाउंट कम करना है। तो दो ही तरीके, या तो आप अपना शुगर बाहर निकालो सोल्यूशन में से, या तो आप अपना पानी उड़ा, ठीक है ना। तो दो तरीके इसको करने के, क्या होगा आप या तो शुगर बाहर निकालो, तो शुगर बाहर निकालेगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लो ग्राम, उसका अमाउंट कम करेगा ना। तो मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर आपको इसको कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करना है तो या तो नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करो या तो वॉल्यूम को इंक्रीज करो, दोनों में से कोई काम करोगे ना। तो अगर आप चीनी बाहर निकाल रहे हो उसका मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हो, और अगर आप पानी डाल रहे हो उसका मतलब आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, ठीक। तो आपको सोचो एक बार चीनी डिजॉल्व होगी तो क्या उसको निकालना इतना आसान होगा, नहीं बिल्कुल नहीं है ना, तो आसानी से नहीं होगा। हाँ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह रहे इम्पॉसिबल है, सेटअप लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम ये वाला तरीका यूज नहीं करते, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करके कंसेंट्रेशन को डिक्रीज नहीं करते, क्योंकि ये मुश्किल होगा, ठीक। इसलिए हम लोग हमेशा कौन सा तरीका यूज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करने वाला तरीका यूज करेंगे, ठीक। जैसे आपको एक सोल्यूशन दे दिया, इसका कंसेंट्रेशन एम1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, ठीक। इसमें आपने उसमें पानी डाल दिया, वॉल्यूम रिटू तक कर दिया, सपोज आपके पास शुगर सोल्यूशन था जिसका कुछ कंसेंट्रेशन था, वॉल्यूम था कुछ, नंबर ऑफ मोल्स थे। अब जब पानी मिलाओगे तो उसका कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली आता चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ज्यादा मीठा था, कम मीठा हो जाएगा, हमें नहीं पता कितना है, हमने एम्पलीट्यूड दिया, वॉल्यूम बताएगा वो रिटू तक, 200 400 500 कितने एमएल है वो आपको बता देगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे N2 है। अच्छा एक बात ध्यान दो, जितने चीनी के मोल्स यहाँ पे थे उतने चीनी के मोल्स यहाँ पे भी होंगे, अगर यहाँ पे 3 चम्मच थी तो वहां पे तो 3 चम्मच होगी, मैंने उसके बाद पानी डाला है ना, तो चीनी डाली है ना चीनी निकाली है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ क्या नंबर ऑफ मोल्स जितने चीनी के यहाँ पे उतने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी होंगे, एंगल बराबर N2 के होगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से देखें तो क्या बन सकता है, N2 ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक। N1 को मैं लिख सकता हूँ M1 V1, और N2 को हम लिख सकते हैं N2, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, M1 V1 इज इक्वल टू N2 T1 में बड़ा लिखा होगा, कई बार काफी बार यूज करते थे, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपके पास, यहाँ से आया, M1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ठीक। तो आपको बेसिकली ऐसे करना, जैसे कैंसर का सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, वो आपका 500 ml है, उसमें 500 ml वाटर ऐड कर दिया, तो आप जो नई मोली वो भी 500 + 500 1000 होगी, बताओ जो नया सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा। जैसे मैंने आपको M1 दे दिया, V1 दे दिया, अभी तो देखिए आपसे पूछ रहा है, आपको 4 वेरिएबल है, 3 पता है, तो एक तो निकाल ही सकते हो ना, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल लेते हैं, ठीक। ऐसे एक सॉल्यूशन है
जिसकी वैलिडिटी नंबर है वॉल्यूम गिवन है नंबर ऑफ मोल्स n1 है, दूसरा सॉल्यूशन है वैलिडिटी m2 है वॉल्यूम गिवन है नंबर ऑफ मोल्स n2 है, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है ना, मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर देंगे नया सॉल्यूशन बनाएंगे, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, m3 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स n3 हो जाएगा। देखना जब एक बात बताओ क्या अगर मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स n3 या n1 प्लस n2 के बराबर होगा, क्या ये वाली बात मैं यहां पे कह सकता हूं n3 जो होगा n1 प्लस n2 के बराबर होगा, अगर यहां 10 में या 20 में तो सीधी सी बात है 30 मोल आएगा, ठीक है ना। तो n3 को अभी आपने देखा n3 भी 3 लिख सकते हैं, इसको m1 भी बन, इसको m2 भी, तो ये हो गया हमारे पास m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v3। ये आपने फॉर्मूला याद रखना, तो वैसे बोल दे वैसे बोल, आपके पास एक एचसीएल का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 5 मोलर, वॉल्यूम है 100 ml, एक H2SO4 का सॉल्यूशन है मोलैरिटी है 2 मोलर, वॉल्यूम है 200 ml, ठीक। अब आपको नई वाली जो सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करने का जो नया सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलैरिटी बता दी, ठीक ठीक है सर। आपको ये सारी चीज दी, आपको m3 निकालना है, v3 पता चल जाए भाई, v3 को बताया कहीं आपको कॉमन सेंस लगाना है, अगर आपने ये 100 ml लिया है 200 ml लिया है तो ये तो ऑटोमेटिकली 100 प्लस 200 मिला होगा 300 ही आएगा भाई, तो v3 किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2 के बराबर होगा, बताएगा नहीं v3 बिल्कुल भी, आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये 100 ml है 200 ml मिक्स करोगे तो 300 ml तो होगा, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साहब एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम थ्री वी वन प्लस वी टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप याद रख लेना, इसमें गलती मत करना, ठीक, ये आपको याद रखना जाता है। तो डायरेक्शन बता दिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बड़े सारे, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है सब इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जैसे इसका अगर आपको अभी ये पहला रिलेशन है हमारा पोलैरिटी और डेंसिटी, सपोज आपको पोलैरिटी दे दिया तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, या डेंसिटी दे दिया तो आप पोलैरिटी निकाल सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज पता है तो दूसरी आप निकाल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्या रिलेशन है, पोलैरिटी बराबर होता है परसेंटेज ग्राम वेट इंटू 10 इंटू डी बाय मोलर मास, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे आप डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, परसेंटेज ग्राम वेट को बताया गया 20% एस्ट्रोजो पॉपुलेशन, मैंने बताया था जितना परसेंट उतना ग्राम है ना, तो परसेंटेज ग्राम वेट हो गया 20, 10 तो 10 ही जाएगा। डेंसिटी आपको याद रखनी है ग्राम पर मिलीलीटर में रखनी है, अगर ग्राम पर लीटर में दिया गया तो ग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करके पुट करना, ठीक। मोलर मास आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा, ठीक है, राइट, ध्यान से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गई है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, जो मोलैरिटी होता है आपका वो होता है मोलैरिटी बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर, ऊपर ग्राम पर मिलीलीटर था या ग्राम पर लीटर है, इसी चीज का ध्यान रखना। जो गलती हो सकती है इसमें कुछ नहीं, एम मोलैरिटी एम 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 इज फॉर मोलर मास, एम एम इज फॉर मोलर मास, टू इज फॉर सॉल्यूट। देखो हमेशा आप कुछ डिनोशन से ही ध्यान रखना, कभी भी डब्ल्यू डब्ल्यू यूज करूंगा मैं वो किसके लिए होगा, गिवन मास के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, कभी भी मैं एम यूज करूंगा वो किसके लिए होगा, एम इज फॉर मोलर मास, कभी भी मैं वन या ए यूज करूंगा ये किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए, कभी भी मैं टू या बी यूज करूंगा पूरे चैप्टर में तो ये किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए। ये मेरे डिमोशन नहीं है, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स के डिमोशन है, तो अगर आपको बुक्स आप चाहते हो आप बुक्स पढ़ के भी चीजें समझ पाओ तो आपको ये डिमोशन को याद रखना होगा, ठीक है ना। बुक्स में ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में ये डिमोशन यूज करते हैं, ठीक। तो सर यहाँ पे तो एम आप मोलैरिटी बता रहे हो, हाँ एम यहाँ पे मोलैरिटी डाल दी है, इसीलिए मोलर मास के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एम एम यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मोलैरिटी को भी कैपिटल एम से नोट करते हैं, ठीक। तो दोनों एक ही फॉर्मूले में आ गए और दोनों को एक ही डिमोशन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो कैपिटल एम यहाँ पे किसके लिए, मोलैरिटी के लिए है, और एक एम एम, एम एम मीन्स मोलर मास, ठीक है ना। एम एम का ध्यान रखना, एम एम यहाँ पे क्या है, एम एम इज फॉर मोलर मास, और टू का मतलब क्या है, टू का मतलब ऊपर मैंने बताया सॉल्यूट है, टू का मतलब क्या है, सॉल्यूट। तो मोलर मास आपको यहाँ किसका रखना है, सॉल्यूट का रखना है, ठीक। फिर लास्ट रिलेशन आपका मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच, अगर आपको मोलैरिटी पता है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज होता है तो दूसरी आप निकाल सकते हो। तो काई भी इसके बराबर होता है, काई मतलब मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट, काई भी का मतलब क्या है यहाँ पे, काई भी मतलब मोल फ्रैक्शन, काई मतलब मोल फ्रैक्शन, और बी का मतलब वही आपको मैंने बताया क्या है, सॉल्यूट। सपोज आपसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा तो वन माइनस काई ए, काई भी कर देगा, काई ए का फॉर्मूला था ना वन माइनस काई ए, वहां से निकालने का मोलैरिटी आपको देगा, और थाउजेंड एम ए, एम ए यहाँ पे क्या है, एम ए यहाँ पे है मोलर मास ऑफ, एम वही मैंने बताया मोलर मास के यूज करेंगे, एम कहीं पे मोलैरिटी का यूज हो सकता है, पर जैसा तो और किसी के लिए नहीं, एम जनरली मोलर मास ही रहेगा। अब इस फॉर्मूला में मोलैरिटी तो नहीं है ना, नहीं, तो यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, मोलर मास, मोलर मास ए का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये
इसका मतलब मैंने बताया आपको सॉल्वेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ आपके कंसेप्ट से अंदर जो इतना फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, सॉल्यूशंस आपका 1/3 चैप्टर कंप्लीट है, ठीक। इतना ही इसके अंदर चीजें रहती है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, तो आज इसको खत्म करते हैं। इतने भी ऊपर का आपको समझ आया होगा, कोई डाउट होगा तो कॉमेंट्स में लिख के बता देना, मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं।